हेलो हेलो, कौन जी, मैं संजय बात कर रहा हूँ भाई। बोलिए? संजय भाई, वो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपके चैनल को, दो भी चैनल को सब्सक्राइब किया है। हाँ जी, शुक्रिया मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर जी, शुक्रिया। बोलिए, क्या काम था आपको? जी। मैं आपको एक कंटेंट देने वाला था। कंटेंट क्या है भाई? वो कंटेंट में आपको स्टोरी टाइप वीडियो बनाना है, क्या आप बना सकते हैं? हाँ बनाऊंगा, बट उसके अंदर कंटेंट क्या होगा? आपको मतलब आपका गुड डे, जो मतलब आपके साथ कुछ अच्छा दिन या बुरा दिन आपके साथ जो भी हुआ है, आप क्या उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाओगे? हाँ जी बिल्कुल तो बनाओ ना फिर। मेरे से क्या बात कर रहे हो? जी। आप कौन? फोन ही काट दिया? कैसे लोग रहते हैं यार, मेरे से कोई बात क्यों नहीं करता? मैं जा रहा हूँ वीडियो बनाने, आप इसकी बहन का इसको बताऊंगा आप। हेलो एवरीबॉडी, कंट्रोल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ आपका दोस्त समीर खान। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आज थंबनेल और टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। नहीं तो गाइस, आज मेरी जो वीडियो है ना, वो वीडियो में आपको मैं थोड़ा बहुत मेरे स्टोरी के बारे में बताऊंगा। जैसे कि हालांकि मेरे साथ परसों ही हुआ था। तो मैं गया था फंक्शन में। अच्छा, तो जैसे गाइस, मैं अंदर फंक्शन में इंटर करने के बाद मैंने देखा चारों तरफ वहां पे कोई नहीं था। व्हाट? सिर्फ वॉचमैन के अलावा। तो गाइस, मैं जैसे मेरे दोस्त को कॉल किया, मेरा दोस्त बोला हाँ भाई यहीं पे हूँ, आ रहा हूँ अभी। तो मैं बोला जल्दी आ जा भाई, कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और वॉचमैन ही है। तो थोड़ी देर के बाद क्या, मेरा दोस्त आया स्कूटी पे, स्कूटी यानी एक्टिवा पे आया गाइस। जैसे अंदर आया, आने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद हम लोगों की बातचीत हुई। बातचीत के बाद मैंने थोड़ा बहुत न्यू वीडियो के बारे में बताया। फिर जैसे ही थोड़ी देर के बाद एक ऑटो आई, ऑटो वाले अंकल आने के बाद वो अपने कान में ईयरफोन्स लगाए हुए थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऐसे ही जा रहे थे तो वॉचमैन उठ के बोले भाई 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 बोल के बोले, बट वो सुने नहीं। तो जैसे उन्होंने सीटी मारी, जैसे कि उनके पास विसल थी, तो उन्होंने सीटी मारने के बाद एकदम उन्होंने शॉक में। फिर ऑटो वाले भाई उनके करीब आए और आकर वॉचमैन भाई से ने पूछा भाई यहाँ पे लेडीज इंटरेस्ट कहाँ है? तो वॉचमैन भाई ने बहुत प्यारा जवाब दिया, भाई मैं जब से आपको आवाज़ लगा रहा था उस वक्त कहाँ थे आप बोले? तो ऑटो वाले भाई ने ये कहा, मैं तो ऑटो में था। अच्छा, अरे मेरे भाई, मैं तुम्हारे को जब से आवाज़ दे रहा हूँ लेडीज लेडीज इंटरेस्ट यहाँ है भाई, इधर आ जाओ इधर आ जाओ बोले तो वो मत नहीं सुन रहे थे। उस वक्त उन्होंने बोला भाई मैंने एयरफोन लगा के था। तो वो दोनों में थोड़ा बहुत बहस हुई, हम लोगों ने भी कहा भाई भाई मतलब दोनों अपने अपने काम कर लो, अपनी जगह पे चले जाओ। तो नहीं सुन रहे थे वो दोनों भी, बैजन बैजी लड़ाई पे आ जा रही थी बात। तो उस वक्त क्या हुआ, एक जने की एंट्री हुई और उनका नाम था बवंडर। कंट्रोल। बवंडर नहीं गाइस, वो मेरे दोस्त के भाई थे। फिर भाई आए, उसके बाद वो दोनों में कॉम्प्रोमाइज कराया। कॉम्प्रोमाइज कराने के बाद गाइस, फिर उसके बाद और एक कार अंदर इंटर करी, तो लेडीज उसमें भी लेडीज बैठे हुए थे, तो लेडीज इंटरेस्ट बता रहे थे। तो फिर ऑटो वाले भाई आगे रुक के ही गाना गा रहे थे, ओ अंटावा मावा बोल के। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा नहीं होता तुम्हारे से काम बोले तो। वॉचमैन भाई ने फिर से प्यारा जवाब दिया, हाँ जा तेरे बाप को मत सिखा। तो गाइस, आप सोचोगे कि मेरे साथ क्या हुआ, ये मैं क्यों सुना रहा हूँ, ये मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ था, बट किसी और के साथ हो गया था। तो मैंने जो देखा वो कह रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद जैसे ही मैं आगे गया, जेंट्स में बैठा, फिर उसके बाद दुबले भाई से मिला, थोड़ा बहुत बातचीत की उनसे भी, उनसे भी जान पहचान थी, मतलब मेरे वो दोस्त के हलेरे मुंह भाई में कुछ थे, तो उनको मैं बहुत टाइम से जानता हूँ। तो जैसे मैं मेरे दोस्त को देखने गया, तो मेरा दोस्त जेंट्स में नहीं था। मैंने ये सोचा कि मेरा दोस्त शायद पार्किंग में होगा, तो मैं पार्किंग में गया गाइस। पार्किंग में जाने के बाद जैसे ही मैं गया, वहाँ पर कोई नहीं था मेरे अलावा, मतलब पब्लिक भी नहीं थी, वो कार वार लगा के सब लेडीज जेंट्स में बैठ गए थे। फिर उसके बाद जैसे मैं पूछा मेरे और
स्कूल के भी कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, तो लोगों से भी पूछा मेरा दोस्त और एक कहाँ है बोल के। तो जैसे मैं गया जाते हूँ वहाँ पे लेडीज़ में बोले मेरे दोस्त बोलने के बाद क्या बोले, तो गाइस सीधा मैं लेडीज़ इंटरेस्ट में जाते कि फिर उसके बाद मेरे दोस्त से मिला, भाई चल बैठेंगे जेंट्स में, बोले तो हाँ भाई अभी एक मिनट बोला। फिर उसके बाद एक आंटी मेरे पास आए, मेरे पास आंटी आने के बाद ये बोला कि बेटा इन्हें थोड़ा सा डराओ। तो उस वक्त पर मैं मास्क पहन के था गाइस और मेरी ब्लैक हुडी थी, जैसे कि आपने रोस्ट वीडियो में देखा होगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाकर देख लो। तो गाइस मैं जैसे ही मतलब आंटी ने मेरे से बात की और आंटी ने कहा बच्चा ये जरा बच्चे को ये जरा डराओ, समझ रहे हो ना ये बच्चा खाना नहीं खा रहा। तो मैं बोला आंटी उन्हें छोड़ दो, तो मतलब वो खुद खा लेगा जब भूख लगेगी उसे। आंटी ने कहा नहीं बेटा तुम जरा डराओ, उन्हें खाना खाते बोले। तो मैं बोला नहीं आंटी बच्चे मेरे से नहीं डरते और ना ही मैं डराऊंगा। तो आंटी ने कहा नहीं जरा तुम डरावने दिखते। तो मैं बोला गाइस अब मेरी सूरत देख कर ये मुझे कह सकते है क्या मैं डरानू? तो नहीं, मैंने कहा नहीं आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बोल दो बच्चे को खा लो, बोले तो खा लेता, प्यार मोहब्बत से बोले तो सुन लेता बात नहीं। आंटी बोल रहे फिर मेरे को वही बोल रहे नहीं बेटा तुम जरा डराओ तुम डरावने बोले। तो मैं मन में ये सोचा कि क्या मन में सोचने लगा क्या गाइस ये क्या मैं कोई दानव हूँ जो बच्चों को खाने वाला हूँ, या फिर मैं इतना बुरा हूँ कि मुझे बच्चे मुझसे डरेंगे। गाइस स्टॉप इट, ये यार हर बच्चे तो मुझसे प्यार करते हैं और शायद आप लोग भी। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। और गाइस तो ऐसे मन में सोच के लाइट ले लिया। तो आंटी को बोला नहीं आंटी वैसा कुछ भी नहीं है, जाने दो, खैर बच्चे को बोल दो आप समझा लो बोले। तो फिर आंटी मेरे पीछे लगे तो लाइट ले लिया, मैं मेरे दोस्त को ले लेके निकल गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया दूल्हे भाई के साथ, और जैसे ही हम लोग डिनर करने गए फिर उसके बाद मैं जेंट्स में बैठा, थोड़ा कॉल आया था मैं बात करा, फिर कॉल पे बात करते ही फिर मेरा दोस्त गया। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। तो मैंने ये सोचा कि पक्का वो लेडीज में ही होगा, अब शायद वो आंटी फिर ना मिल जाए, बल्कि मैं ऐसा सोचा। अच्छा उसके बाद हिम्मत करके गया कि मतलब मुझे घर जाना था, काफी रात हो गई थी, एक दो कुछ टाइम हो रहा था। तो उस वक्त गाइस मैंने क्या किया, मेरे दोस्त को बोलना जरूरी है वरना फिर मुझे कॉल करके वो मतलब बहुत दम कर देगा गाइस। तो चलो जाते हैं, मेरे को जाना पड़ेगा। हिम्मत करके गया मैं मास्क लेके फिर से वैसी, फिर जाते कि एक दूसरे आंटी मिले उनके हाथ में भी बच्चा था। तो मैंने सोचा कि प्लीज ये आंटी ना बोले मुझे कुछ तो ज्यादा बेटर रहेगा बोले। तो फिर आंटी वो भी आंटी मेरे करीब आया, फिर उसके बाद क्या आपको तो पता ही होगा नहीं। तो फिर उसके बाद वो आंटी भी बोल रहे जरा बेटा इनको डराओ। फिर उसके बाद बच्चे को बोल रहे देखो ये मतीन मामा है तुम्हारे को डराते हैं, तुम्हारे को पकड़ के ले लेके आते बोले। तो गाइस मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मतलब मेरे साथ ही क्यों। Emotional damage. और जाते के एक नहीं दो बार गाइस। तो वो पहले वाले आंटी और ये वाले आंटी दोनों में अलग अलग थे, बट वो बच्चे जो थे ना बच्चे बहुत मासूम से थे और वो बच्चे मेरे को देख रहे थे, शायद वो लोग भी सोच रहे थे कि क्या आएगी भैया कुछ चुपाली पिली के बोल रहे भैया इतने अच्छे है, तो ऐसा सोच रहे थे गाइस। तो मेरे साथ ऐसा ऐसा ही हुआ। तो अब मुझे कमेंट करके ये नहीं बोलना कि गाइस ये मेरे भी घर आ जाओगे जरा छोटे बच्चों को डरा दो खाना खा रहा ये मत बोलो गाइस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसी पसंद आई गाइस कमेंट करके बताना, और गाइस इंशाल्लाह मेरा ब्लॉग आने वाला है जल्द से जल्द, और रोस्ट वीडियो पे भी गाइस जाकर देख लो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और मेरा सेकंड चैनल है द ऑफिशियल ड्रामा कंपनी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।